बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सांसद के दोस्त ने ही उनकी हत्या करवाई। उसने अनवारुल अजीम अनार की हत्या के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने कहा कि कोलकाता के न्यूटाउन इलाके के जिस फ्लैट में बांग्लादेश के सांसद को आखिरी बार प्रवेश करते हुए देखा गया था, उसे उसके मालिक ने अपने दोस्त को किराए पर दिया हुआ था। इस फ्लैट का मालिक उत्पाद शुल्क विभाग में कर्मचारी है। इस मामले में गुरुवार को एक कैब ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में सीआईडी ने एक जिहाद हवलदार नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। वह एक पेशेवर कसाई है। उसे सांसद के शव के टुकड़े करने के लिए मुंबई से स्पेशली कोलकाता बुलाया गया था। उस महिला की भी तलाश जारी है जिसने हनी ट्रैप में फंसा कर अनवारुल को भारत बुलाया था। बांग्लादेश में 3 बार के सांसद रहे अजीम 8 दिनों से लापता थे। वह 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे और शहर के बारा नगर में अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर पे रुके हुए थे। 14 मई को वह विश्वास को यह बता के घर से बाहर गए कि वो उसी दिन लौट आएंगे, लेकिन वो लौटे नहीं। पुलिस ने इस मामले में सांसद के बचपन के दोस्त को हत्या में शामिल होने की बात कही है। पुलिस ने कहा है कि मुंबई के एक प्रोफेशनल कसाई से सांसद की हत्या कराने के बाद उसके लाश के टुकड़े कराए गए। पुलिस को इस बात का शक है कि सांसद को हनी ट्रैप मामले में फंसाया गया था और झांसा देके फ्लैट के अंदर बुलाया गया था। इस मामले में एक महिला का नाम सामने आया है, उसे सांसद का करीबी दोस्त बताया गया है। पुलिस को इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं जिसमें अनवारुल को एक पुरुष और महिला के साथ फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी में इन दोनों शख्स को फ्लैट के अंदर आते और बाहर जाते देखा गया है। इसके बाद यह दोबारा फ्लैट में जाते हैं। हालांकि सांसद को इसके बाद फ्लैट में जाने के बाद दोबारा बाहर आते नहीं देखा गया। सीआईडी ने बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। यह वही कसाई है जिसे मुंबई से अन्य आरोपियों ने हत्या के बाद शव को काटने के लिए बुलाया था। वह हत्या से 2 महीने पहले ही मुंबई से कोलकाता आया था। सीआईडी ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्ध अवैध प्रवासी है जो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। गिरफ्तार संदिग्ध शख्स की पहचान 24 वर्षीय जिहाद हवलदार के तौर पर की गई है जो बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है। अनवारुल अजीम की हत्या के मास्टरमाइंड का नाम अख्तरुज्जाम है। आरोपी कसाई ने बताया है कि अख्तरुज्जाम के कहने पर उसने और 4 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों ने मिलकर सबसे पहले सांसद अनवारुल अजीम का गला घोटकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। इस पूरे अपराध को कोलकाता के एक फ्लैट में अंजाम दिया गया। जिहाद हवलदार ने बताया कि हत्या के बाद बांग्लादेशी सांसद के पूरे शरीर की खाल उतारी गई और सारा मांस निकाल दिया गया। आखिर में पहचान मिटाने के लिए मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। कसाई ने बताया कि शव के छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीपैक में भरा गया और हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। इन सब को छोटे छोटे पॉलीपैक में भर के अच्छे से पैक कर दिया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इन पॉलीपैक को उठाकर और कभी ट्रेन तो कभी बस के जरिए सफर करते हुए कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में ले जाके फेंक दिया। आरोपी कसाई को अब कोर्ट ले जाया जाएगा और फिर शरीर के हिस्से को रिकवर किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।